यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो विषय है हमारी मृत्यु कब निश्चित होती है। हमारी मृत्यु कब निश्चित होती है? जैसे जन्म लेते हैं पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है कि कितने दिनों के अंदर हम इन कर्मों को भोगेंगे और भोगने के बाद हम अगले कर्म बनाते हैं जिसके कारण हम अगला शरीर फिर से लेंगे। परंतु भगवद्गीता बताती है हमें, सारे शास्त्र बताते हैं कि इस जन्म के अंदर कोशिश करो कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाओ, कि बार बार ये जन्म होता है फिर मृत्यु होती है, जन्म होता है फिर मृत्यु होती है, इस चक्कर से निकलो और अपने घर वापस चलें वैकुंठ। तो इसके लिए भगवद्गीता जानना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि वो तरीका बताती है कैसे आप निकल सकते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर से। क्योंकि मृत्यु के समय तो सब कुछ जीरो हो जाता है ना, आप करा कराए पे सब पे पानी फिर जाता है, क्या फायदा बताइए आप ही मुझे। चाहते हैं कि सब कुछ पे पानी फिर जाए? नहीं, कोई भी नहीं चाहता, परंतु एक बैड बार्गेन है, क्योंकि मृत्यु तो आएगी, परंतु उस मृत्यु को हम स्टेपिंग स्टोन कैसे बना सकते हैं। एक हो सकता है कि उसी को हम मृत्यु को उसके द्वारा फिर गिरे, और एक व्यक्ति जो अकलमंद है उस मृत्यु को एक पत्थर बनाता है जिससे कि वो कूद कर भगवत धाम चला जाता है। तो आप भी उसी में से बनिए। तो इसलिए मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है, परंतु फिर भी एक फ्री विल रहती है, जैसे आत्महत्या, उसके अंदर आपने क्या करा, जानबूझ के अपनी फ्री विल का इस्तेमाल किया और अपने आप को मार लिया, तो फ्री विल का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो फ्री विल भी काम करती रहती है साथ साथ, फेट एंड फ्री विल कहते हैं इसको, भाग्य और आपकी जो स्वतंत्रता है ये साथ चलती है। तो आपसे अनुरोध है कि मृत्यु को स्टेपिंग स्टोन बनाइए, ना तक ना कि गिरने का रास्ता, उठने का रास्ता बनाइए। धन्यवाद। जय गौर हरि। हरे कृष्णा। ये कोर्स बनाया है, छोटा कोर्स है, संक्षिप्त में भगवद्गीता को समझाया है, जिससे कि आप अपने जीवन में इस कलयुग के अंदर पूरा लाभ उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है, फ्री में उसको डाउनलोड करिए।